नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आरआईटी पुलिस ने चोरी घटनाओं का किया उद्भेदन, जेवरात, लैपटॉप, घड़ी, सफारी व ऑटो समेत चार गिरफ्तार। पार्टी काली मंदिर के पास अपराधियों ने युवक पर चलाई गोली, एमजीएम में कराया गया भर्ती। आजाद नगर में अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। और मानको में पुलिसकर्मी व अन्य की हत्या को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर से दो कार समेत कई दो पहिया वाहन किया जब्त, अब टूटेगा घर। खबरें विस्तार से। आरआईटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, चोरी की घटनाओं का किया गया उद्भेदन, सोनार समेत चार बदमाश गिरफ्तार, जेवरात, लैपटॉप, घड़ी, सफारी व ऑटो बरामद। सरायकेला खरसवा जिला के आरआईटी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में हुए चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करते हुए सोनार सहित तीन अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम सूरज कोतवाल उर्फ सूरज पात्रो उर्फ सरफराज, नवीन कुमार झा, विवेक सिंह उर्फ कैफ और वीरेंद्र नाथ वर्मा बताया जाता है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर, माउस, घटना में प्रयोग ताला तोड़ने वाले लोहे का कटर, चापड़, आयरन, कैमरा, घड़ी, पावर चश्मा, बैग, सफारी व ऑटो बरामद किया है। बताया जाता है कि एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सागर लाल महता के नेतृत्व में गठित टीम ने थाना क्षेत्र के 32 नंबर के समीप से ऑटो को पकड़ा, जिसमें तीन युवक सूरज कोतवाल उर्फ सूरज पात्रो उर्फ सरफराज, नवीन कुमार झा और विवेक सिंह उर्फ कैफ बैठा हुआ था। तलाशी लेने पर नीले रंग के बैग से सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने थाना क्षेत्र MI 146 महावीर नगर सहित अन्य स्थानों में हाल के दिनों में चोरी हुई घटना के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। तीनों की निशानदेही पर चोरी का गहना खपाने वाले सुनार वीरेंद्र नाथ वर्मा को चौका के खूटी से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पार्डी काली मंदिर के पास अपराधियों ने कशफ नामक युवक पर गोली चलाई, इलाज के लिए MGM में कराया गया भर्ती। मानगो के आजाद नगर निवासी युवक को पार्डी काली मंदिर के पास अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उसके हाथ में लगी, इसके बाद वह किसी तरह भागकर MGM अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज किया गया। वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। यह घटना जहां घटी वहां चांडिल थाना क्षेत्र पड़ता है। युवक कशफ अली ने बताया कि वह आजाद नगर रोड नंबर 17 का रहने वाला है। वह अपनी बाइक से चाय पीने के लिए पार्डी की ओर जा रहा था कि अचानक से दो अपराधी आए और उस पर गोली चला दी। उसने बताया कि वह सारे अपराधी पहले से उसका पीछा कर रहे थे। जब वह पेशाब करने के लिए नीचे उतरा, वैसे ही उस पर अपराधियों ने गोली चला दी, जो उसके हाथ में लगी। इसके बाद दोनों अपराधी वहां से भाग निकले। कशफ अली कहां रहते हो? हम रहते 17 नंबर रॉयल गार्डन के पास। अच्छा, कहां गए थे तुम? हम गए थे काली मंदिर का पास, चाय दुकान खुला है नया, वहाँ पर चाय पीने गए थे। तो हमको अकेला देख करके दो युवक मेरा पीछा कर रहा था, पर हमको ऐसा मतलब समझ नहीं पाए कि उन लोग ऐसा भी कर सकता। अच्छा, तो हम पेशाब करने के लिए उतरे, गाड़ी साइड लगा के पेशाब करने के लिए उतरे, तो पीछे से एक फायर मारा तो मेरा हाथ में लगा, तो हम वहाँ से भागने लगे, तो फिर दूसरा फायर मारा, तो उस बीच में सब आदमी लोग आने लगा, मतलब रोड में रनिंग होने लगा, तो लोग अपना जान बचा करके भागा। क्या चीज में था उन लोग? स्प्लेंडर में था, आगे पीछे बिना नंबर प्लेट था और दोनों रुमाल बांधा हुआ, हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जानते हो लोगों कौन था, क्या है दुश्मनी, क्या किसी से कुछ? मेरा, हम उसको जानते नहीं है, पर मेरा विवाद सिर्फ और सिर्फ एक ही जन से था, अभी हाल फिलहाल का विवाद था, जिस केस में मेरे को जेल भी भेजा चुका है उन लोग। जेल जा चुके हो? उस केस में। किस मामले में जेल गए हो? मारपीट में 307। कौन भेजाया था जेल, किससे विवाद था? होमलैंड का रहने वाला फैसल, मोहम्मद फैसल नाम है उसका। किस थाना से गए थे तुम? जुगसलाई थाना से। अच्छा, ये लोग कहाँ से गए थे? जुगसलाई थाना से। हाँ। रहते कहाँ हो तुम? हम रहते मानगो में, रोड नंबर, हम जुगसलाई में भी मेरा घर है, पहले जुगसलाई में रहते थे, वहाँ से जब वैसा कांड हुआ तो उसके बाद हम लोग मानगो में शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये सब चीज़ हम छोड़ नहीं रहना। किस थाना क्षेत्र में रहते हो? मानगो आजाद नगर थाना के पीछे रहते हैं। रोड नंबर 17 रॉयल गार्डन के पास। अच्छा, वहाँ रहते हो। किससे तुम्हारा लड़ाई किससे हुआ था पहले? मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था वही लोग से। क्या नाम है लोग को जानते हो? वहाँ फैसल नाम है, एक का नाम भाई है, तीनों भाई में और हम लोग
लोग का भाई लो में का है सब उन लोग सब जुगसलाई का। तुमको आज जो मारने आया था क्या लग रहा, कौन है क्या कुछ पता पच्चा रहा तुमको? अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ लग रहा नहीं है कि कौन है क्या, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। क्या करते हो तुम? हम तो पढ़ाई करते हैं। कहाँ? मैट्रिक दिए अभी अभी इंटर के बारे में। इंटर का तुम अकेले थे आज? हाँ आज हम अकेले थे, वही तो मेरा गलती की हम अकेले थे। बाइक कहाँ तुम्हारा? मेरा बाइक खड़ा बाहर। तुम किसके साथ आए फिर वहाँ से? मेरे को ले करके आया, फोन करके बुलाया, लड़का लोग को बाहर खड़ा है सब, सब लोग सब लेकर आया। हाँ फिर मम्मी उम्मी सब कोई आई, सब साथ में आया, फिर हम लोग अंदर फिर यहाँ पर ही आए तब मैं। इधर आजाद नगर में अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 10 के रहने वाले 55 वर्षीय अब्दुल करीम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर आजाद नगर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर MGM अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी नसीमा बीबी ने बताया कि उनके पति ऑटो चालक थे, जब घर पर कोई भी नहीं था तब उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम के समय पत्नी घर का सामान लाने के लिए बाजार गई थी, लौटने के बाद देखा कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नसीमा बीबी। कौन है आपके? मेरे हस्बैंड। क्या नाम था? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। क्या करते थे? गाड़ी चलाते थे, गाड़ी खरीद के लेके जाते थे। कौन सा गाड़ी? कनवाई। कनवाई चलाते थे। घर में कोई नहीं था? नहीं घर में कोई नहीं था, देखिए सोए थे यहाँ पर ही। हम लोग असर का अजान हुआ, नमाज पढ़े, हम भी नमाज पढ़े वहाँ, एक पढ़े उनको चाय दिए, उसके बाद में फिर हम बोले आ रहे थोड़ा दुकान से कुछ सामान लेंगे, बोले नीचे ताला लगा के चले, नीचे फरन में तो हम ताला लगाए, चाबी उन्हीं को दिए और देख के हम चले गए। फिर हम थोड़ा देरी के बाद आए वहाँ से, आने के बाद में फ़ोन कर रहे दोनों मोबाइल में फ़ोन कर रहे, रिंग हो रहा लेकिन उठा नहीं रहे, तो फिर इनको बोले वो भी रूम आप ही लोग का है जी, क्यों किया सुसाइड कुछ पता? नहीं पता मेरे को। कितना उम्र होगा उनका पता नहीं अब हम कैसे। मानगो में पुलिस वाले के साथ एक अन्य की हत्या को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी के घर से दो कार समेत कई दो पहिया वाहन को जब्त किया गया। अब टूटेगा मुख्य आरोपी चौड़ा राजू का मकान, मुख्य साजिशकर्ता पर भी कार्रवाई का इंतजार। जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर में हुई सज्जात उर्फ टंडा की हत्या और हत्या कर भाग रहे अपराधियों को रोकने वाले पुलिसकर्मी के शहीद होने के मामले में जमशेदपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस कांड में मुख्य आरोपी चौड़ा राजू का अब घर भी तोड़ा जाएगा। चौड़ा राजू के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई मंगलवार को शुरू कर दी। इस कड़ी में पुलिस की टीम जमशेदपुर के मानगो स्थित वारिस कॉलोनी स्थित चौड़ा राजू के घर पर गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, घर के भीतर पुलिस को सफलता मिली, जहां से पुलिस ने दो कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्प्लेंडर, एक स्कूटी और एक पल्सर को जब्त किया। जमशेदपुर के CEO और DSP वीरेंद्र राम के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इसके बाद उसके पूरे घर के दस्तावेज की जाँच की गई, जिसको अवैध पाया गया। इस दौरान पूरे घर की मापी की गई। घर के मापी करने के बाद तय किया गया कि जल्द ही इस मकान को तोड़ा जाएगा जो अवैध कमाई से बनाया गया है और मकान भी अवैध ही है। जैसा कि पता है कि 8 तारीख को डबल मर्डर हुआ है जिसमें एक सिपाही को भी है। ये आपका चौड़ा राजू का घर है जिस बाइक से क्राइम किया गया वो चोरी का निकला है, तो इसके गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर आए हुए थे तो देखे कि इसके घर पर बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है, हो सकता है कि संभावना है कि ये भी गाड़ी चोरी की होगी, इसको सत्यापन के लिए हम लोग गाड़ी वगैरह ले जाएंगे। और क्या सर? और क्या इस पे अभी तो दो गाड़ी फोर व्हीलर मिला है, 4 गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक और आगे क्या इस पे अभी तक? इस पर अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं, इसका घर वगैरह भी मतलब क्या है एनक्रोचमेंट है कि क्या है उसके नगर निगम से नापी वगैरह भी हुआ है। उधर मानसिक रूप से अपरिपक्व जमशेदपुर के आशुतोष पाणिग्राही ने दर्ज कराया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम, DDC ने किया सम्मानित। जमशेदपुर के रहने वाले 17 वर्षीय युवक और ऑटिज्म से पीड़ित आशुतोष पाणिग्राही ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम 10 अक्टूबर 2023 को दर्ज कराया। आशुतोष की सफलता का जश्न मनाने के लिए आज अस्पायर संगठन के बच्चों और अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सचिव पी बाबू राव ने रेडक्रॉस से सांची स्थित उपायुक्त कार्यालय तक एक रैली निकाली। बच्चे, उनके अभिभावक तथा संस्था के कार्यकर्ता ने बड़े धूमधाम से बैंड बाजा के साथ उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे, जहां पूर्वी सिंहभूम के DDC मनीष कुमार ने मोमेंटो प्रदान करके आशुतोष का स्वागत किया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बता दें ऑटिज्म से पीड़ित होने के बाद भी आशुतोष ने गणित के जोड़ और गुणा का हल तेजी से करने का रिकॉर्ड बनाया है। आशुतोष पाणिग्राही ने 15 मिनट में 208 सवालों को हल किया है। इस उपलब्धि के बाद उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इसे
उपलब्धि के बाद मेडल देकर सम्मानित किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से आशुतोष से 101 जोड़ और 107 गुना के सवाल पूछे गए। आशुतोष ने इन सभी को रिकॉर्ड समय में हल कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष पानीग्राही है। मैं जमशेदपुर का एक लड़का हूँ। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन अबाकस में 10 मिनट्स में 101 सम एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया, 5 मिनट्स में 107 मल्टीप्लिकेशन सम सॉल्व किया। और बताइए, और क्या मतलब कैसा लग रहा है इस तरह के अवार्ड मिलने के बाद आपको? हमको बहुत खुशी हो रहा है। आगे चल के मैं सुबह बनारस में भी अच्छा से गाना में सर्टिफिकेट लाऊंगा और खेल में पावर लिफ्टिंग में भी इंटरनेशनल में जर्मन जाके पावर मेडल लाऊंगा और बोर्डिंग में भी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा और कंप्यूटर में भी अच्छे से डाटा एंट्री सीखूंगा। वही चांडिल थाना स्थित कांदरबेड़ा के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल पर सवार गणेश सोरेन नामक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। एमजीएम में डॉक्टरों ने उसे इलाज के बाद मृत घोषित कर दिया। चांडिल थाना स्थित कांदरबेड़ा के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गणेश सोरेन नामक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या पता चला आप लोगों को? हम लोग तो घर में थे। हम लोग को पड़ोसी गांव से लड़का लोग फोन किया, उन लोगों को ड्यूटी करता है, उन लोग रास्ता में आ रहा था। तो पूरा कांदरबेड़ा के पड़ोसी गांव का लड़का लोग हम लोग को फोन किया। हम लोग का घर गांव का भी लड़का लोग गया था तो हम लोग को फोन किया। उसके बाद कोई गाड़ी बोल रहा उठा के लेके गया, बोल रहा आप लोग एमजीएम चल जाइए। उसको मतलब क्या बोला? एक्सीडेंट हुआ है। कौन गाड़ी मारा कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला है। अभी पता लगाने के लिए भाई लोग को भेज दिए। गाड़ी अज्ञात है, कुछ पता नहीं चला। अज्ञात है। वही जिला मुख्यालय परिसर में मोदी सरकार की गारंटी जागरूकता रथ का DDC एवं ADC ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला मुख्यालय परिसर में मोदी सरकार की गारंटी जागरूकता रथ का DDC मनीष कुमार एवं ADC ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ शहर के 11 प्रखंडों में आम लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। पंचायत में GP में ये प्रचार प्रसार का है और पब्लिक का मोटिवेशनल है और प्लस ये सक्सेस स्टोरी है। अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप योजना में जो भी योजना का जो प्राप्त हुआ है पब्लिक को, उसके बारे बताया जाएगा कि हमको इससे क्या फ़ायदा मिला। खुद पब्लिक अपने जुबानी से बताएगी, मेरी जुबानी मेरी कहानी उसमें एक है। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आगामी 24 से 31 दिसंबर तक विंटर स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया जाएगा। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से आगामी 24 से 31 दिसंबर तक विंटर स्पोर्ट्स कैंप 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में स्कूली छात्रों के साथ शहरवासी भी शिरकत करेंगे। जो भी जमशेदपुर के वासी हैं वो स्पोर्ट्स को ऐसे इम्पाइब करें जैसे कि आदमी सुबह से उठता है और उसका दिनचर्या होता है, उसमें स्पोर्ट्स का भी एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि फिटनेस और हेल्थ और वेलनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और जो भी हम कैंप्स कर रहे हैं, चाहे वो समर कैंप हो या फर्स्ट टाइम हम लोग अभी विंटर कैंप का ट्रायल करेंगे कैसे चलता है, ये आइडिया यही है कि एक बार आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसकी आदत पड़ती है और जितने बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहेंगे होपफुली वो इसको कैंप तक ही नहीं सीमित रखेंगे, उसके बाद भी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कदमा भाटिया बस्ती हनुमान मंदिर प्रांगण में तेलुगु यूथ के फेडरेशन के तत्वाधान में भव्य शिवलिंग की पूजा अर्चना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पार्षद अध्यक्ष बारी मुर्मू, शंकर रेड्डी, जगदीश राव, शंकर राव समेत बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु उपस्थित थे। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के 2 सदस्यों ने टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस टीम में मुन्ना मिश्रा और अरुण जोशी पहुंचे। टाटानगर मॉडल स्टेशन है, इसे देखते हुए इन टीमों के द्वारा यात्री सुविधा किस तरह मिल रही है और स्टेशन परिसर में जितने भी दुकान है उसमें मिलने वाले सामान को देखा और उनका कागजात भी जांच किया गया। दुकानदार हाइजेनिक फूड और एक्सपायर फूड को ना रखने की हिदायत भी दी गई। टाटानगर स्टेशन के वेटिंग हॉल में यात्रियों से रेलवे से मिलने वाली सुविधा के बारे में फीडबैक लिया गया। इन सदस्यों के द्वारा पूरे स्टेशन परिसर में घूम घूम कर यात्रियों को मिलने वाली सुविधा की जानकारी रेलवे के अधिकारियों से लिया गया। वहीं मुन्ना मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जो कुछ त्रुटि है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए कहा गया है और इन सारी रिपोर्ट रेलवे के GM और CKP DRM को जांच का रिपोर्ट भेजा जाएगा। स्टेशन प्रीमाइसेस के पैसेंजर के परेशानियों को देखने के लिए कि उनको रेलवे ने जो प्रोविज़न दिया हुआ है, जो उनको सहूलियतें दी हुई है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
और क्या क्या डेवलप किया जा सकता है जिससे पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। The new glamour, simply magnetic. Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, lehenga and suit. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनिस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मंगलवार को बिजली विभाग की टीम ने सरायकेला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 स्थित इनोवा कंपनी में दबिश दी, जहाँ टीम ने अवैध रूप से बिजली जलाते पकड़ा, जिस पर कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि उक्त कंपनी का बिजली कनेक्शन मार्च महीने में ही काट दिया गया है, बावजूद इसके बगल के कंपनी से हुकिंग कर यहां बिजली चलाई जा रही है। इधर कंपनी के मालिक कुमार प्रभाकर ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, कहीं से भी हुकिंग कर बिजली नहीं चलाई जा रही है। विभागीय गड़बड़ी की वजह से उन्हें 70 लाख का बिल दिया गया था, जिसकी शिकायत जीएम से करने पर उसे घटाकर 19 लाख कर दिया गया, जिसे इंस्टॉलमेंट में देने के लिए कई बार विभाग में आवेदन किया गया, मगर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा नहीं किया गया और आज साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। वहीं इस मामले में उद्यमी संगठन इसरो के अध्यक्ष रूपेश कतियार ने बताया कि लघु उद्योगों के साथ ऐसी परेशानी बनी रहती है। उन्होंने विभाग के कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 70 लाख का बिल घटकर 19 लाख हो गया, इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि बिजली विभाग किस तरह से उद्यमियों को परेशान कर रहा है। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि बिजली विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि विभागीय अधिकारियों की माने तो उद्यमी के खिलाफ केस किया जाएगा, वैसे विभाग के इस कार्रवाई को लेकर उद्यमियों में नाराजगी देखी जा रही है। क्या पाएंगे जांच में? क्या जांच में केबल अलग से लगा हुआ था, जो मीटर से पहले ही बाईपास किया हुआ था, क्योंकि ये कनेक्शन इस प्रीमिसेस का कटा हुआ था पहले से, पूर्व से, तो एक बगल के कनेक्शन जो सर्विस वायर है वहाँ से केबल लगा के, और उनके क्या अप्लाई कर रहे हैं? कब से बिजली कटी हुई ये बताएंगे, मार्च या फिर। इधर जमशेदपुर पूर्वी में दूर होगी बिजली की समस्या। विधायक सरयू राय ने बिजली बोर्ड और टाटा स्टील UISL के अधिकारियों के साथ बैठक की। जमशेदपुर के टाटा लीज क्षेत्र एवं इससे सटे अन्य बस्तियों के निवासियों को टाटा स्टील UISL का विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने को लेकर बनी कमेटी की बैठक जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय में विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मोहरदा मोराकाटी क्षेत्र में जिसको बिजली हेतु केबल बिछाने का कार्य शुरू हो गया है, मोहरदा उड़िया स्कूल मैदान एवं बागुन हाथू में सब स्टेशन निर्माण के लिए जमीन का आनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने को लेकर टाटा स्टील UISL द्वारा उपायुक्त से मांग की गई है। विधायक सरयू राय ने कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र दिलाने के लिए राजस्व सचिव एवं उपायुक्त से बात करेंगे। विधायक सरयू राय ने बर्मा माइंस के भक्ति नगर और भोयाडी में जिसको बिजली देने पर जोर दिया एवं टाटा स्टील UISL के अधिकारियों ने इसके लिए बुधवार को फिर से फाइनल सर्वे कर सब स्टेशन स्थल और नेटवर्क फिजिबिलिटी की बात कही। बैठक में टाटा स्टील UISL के अधिकारियों ने सरयू राय को बताया कि छायानगर, चंडीनगर, निर्मल नगर के लिए सब स्टेशन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है, 15 दिनों में सब स्टेशन चालू कर दिया जाएगा।
जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ग्राम कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के NSS द्वारा आयोजित स्पेशल कैंप के अंतर्गत पांचवें दिन दामोडी ग्राम में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत गांव में सामाजिक कुरीतियों शराबबंदी से संबंधित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। साथ ही ग्रामवासियों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्राम कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फूले योजना, जननी सुरक्षा योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन इत्यादि के विषय में चार्ट पोस्टर आदि की सहायता से बताया गया। गाँव की महिलाओं को महावारी उप संबंधित बातों से अवगत कराते हुए सैनिटरी नैपकिन आदि का वितरण किया गया। बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने की सलाह देते हुए कॉपी पेंसिल आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ग्लोरिया पूर्ति, NSS पदाधिकारी डॉक्टर डी पुष्पलता, डॉक्टर सुनीता कुमारी व डॉक्टर छगनलाल अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। RIT पुलिस ने चोरी घटनाओं का किया उद्भेदन, जेवरात, लैपटॉप, घड़ी, सफारी व ऑटो समेत चार गिरफ्तार। पाडी काली मंदिर के पास अपराधियों ने युवक पर चलाई गोली, MGM में कराया गया भर्ती। आजाद नगर में अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। और मानको में पुलिसकर्मी व अन्य की हत्या को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर से दो कार समेत कई दो पहिया वाहन किया जब्त, अब टूटेगा घर। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।